भारत में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 200 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से देश भर में चिंता बढ़ी हुई है। कोविड के जिस वेरिएंट को हल्का माना जा रहा था, उसने बेहद ही कम समय में तेजी से लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया है। कोविड के बढ़ते मामलों को देख कोरोना वायरस से जुड़ी सारी सावधानियों को एक बार फिर से समझना बेहद जरूरी है। जब बात आती है ओमिक्रॉन वेरियंट की, तो ज्यादातर लक्षण जो कोविड-19 में आम हुआ करते थे, इस वेरियंट में नहीं देखे जा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक हल्का बुखार, कमजोर, गले में खराश और भयानक बदन दर्द ओमिक्रॉन में देखा जा रहा है। इस बार एक भी मरीज में स्वाद और सुगंध की हानि नहीं देखी जा रही है, जबकि कुछ लोगों में भूख न लगने जैसा लक्षण देखा गया है। सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना, कमजोरी महसूस करना और लगातार छींके आना आपको आम फ्लू या जुकाम के लक्षण लग सकते हैं। हालांकि यूके के ZOE कोविड स्टडी ऐप के प्रमुख प्रोफेसर टीम स्पेक्टर ने इन लक्षणों वाले सभी लोगों को आग्रह किया है कि वे तुरंत कोविड-19 के टेस्ट करवाएं। भारत में लोगों को भी सभी तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। ठंड के मौसम की वजह से सर्दी जुकाम के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन साथ ही कोविड-19 के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसलिए आपका जुकाम सिर्फ फ्लू नहीं बल्कि कोविड भी हो सकता है। अगर आप क्लासिक कोविड-19 के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको फौरन RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। आमतौर पर कोरोना वायरस की उष्मायन अवधि, जो आपके संक्रमित होने के दिनों और जब आप लक्षण विकसित या नोटिस हैं, उसमें 1 से 14 दिन लग सकते हैं। आमतौर पर लगभग 5 दिनों में आप ये लक्षण देखने लग जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के वायरस से संक्रमित होने के बाद उसके लक्षण देखने में औसतन 5 से 6 दिन लगते हैं, हालांकि इसमें 14 दिन तक का समय भी लग सकता है। हालांकि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति लक्षणों का अनुभव शुरू करने से 48 घंटे पहले संक्रामक हो सकता है। कई लोग संक्रमित होने के बावजूद किसी तरह के लक्षण का अनुभव नहीं करते। यही वजह है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। साथ ही अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां कोविड के कई मरीज हैं, तो ऐसे में जरूरी सावधानियां लेना ना भूलें और किसी तरह के संकेत और लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। अगर आप कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो टेस्ट का परिणाम आने के बाद 10 दिनों तक आइसोलेशन जरूर करें। आइसोलेशन के दौरान अपने लक्षणों पर नजर रखें और कोविड-19 लक्षण लगातार बदलते हैं, इसलिए स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ, सांस से जुड़ी दूसरी दिक्कतें, सीने में दर्द या किसी भी तरह की तकलीफ महसूस हो रही है, तो मेडिकल हेल्प लेने में देर ना करें। कोविड-19 परीक्षण हमारे सिस्टम में SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने का एक उपयोगी तरीका है। कोविड टेस्ट कई तरीके के होते हैं, जैसे रैपिड टेस्ट या एंटीजन टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग और एंटीबॉडीज या ब्लड टेस्ट। रैपिड टेस्ट, जिसे एंटीजन टेस्ट भी कहा जाता है, वायरस का पता लगाने का एक त्वरित और ये सस्ता तरीका माना जाता है। इसलिए इसका उपयोग ऐसी जगहों पर ज्यादा किया जाता है जहां बड़ी संख्या में लोग होते हैं, जैसे हवाई अड्डा। अगर आप एक सटीक कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट की तलाश कर रहे हैं, तो आपको मॉलिक्यूलर या RNA टेस्ट कराना चाहिए, जिसे RT-PCR टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें लैब से एक व्यक्ति आपके नाक और गले से बलगम के नमूनों को कलेक्ट करता है। एंटीबॉडी टेस्ट सक्रिय कोरोना वायरस संक्रमण का पता लग सकता है और आपको यह भी बताया जा सकता है कि आपको कभी कोविड संक्रमण हुआ था या नहीं। इस प्रकार का कोविड टेस्ट तुरंत परिणाम नहीं देता है।